प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको जीवन में किस कार्य से और किससे उन्नति मिलने वाली है। जीवन में ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको सफलता देने वाले हैं, या ऐसा कौन सा कार्य है जो आपको अच्छा परिणाम देने वाला है। आज मैं आपको इसकी जानकारी देने वाला हूं। यहां मैं आपको करियर की जानकारी नहीं दे रहा हूं कि आपको करियर में क्या करना है। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कुछ भिन्न, जो अलग है, जो आपको रोचकता से जाननी भी चाहिए और आपको आनंद भी देकर के जाएंगी। और निश्चित रूप से आप अगर इसके अनुसार कार्य करेंगे, या जिस व्यक्ति विशेष की मैं बात करूंगा उससे अगर जुड़े रहेंगे, तो आपको अच्छा प्रभाव अवश्य प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, बस आपको आज की वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना है, जिससे आपको आज की वीडियो से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त हो सके। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे जीवन में उन्नति मिले, जीवन में सफलता मिले, और जन्म कुंडली का ऐसा कोई ना कोई सा भाव तो होगा जो शुभ स्थिति में होगा, वही भाव आपको उन्नति दे सकता है। लेकिन इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना है। अपनी कुंडली को सामने रखिए। आप इस बात को जानते हैं कि जन्म कुंडली के जो पंचम भाव होता है, वो आपके पूर्व जन्म के कार्यों को दर्शाता है, पूर्व जन्म की स्थिति को दर्शाता है। लेकिन इसी पंचम भाव से आपके बुद्धि विवेक को भी देखा जाता है। क्योंकि ये पंचम भाव आपके संतान का भाव है, इसीलिए संतान आपके आगे आने वाला भविष्य भी है। इसीलिए यहीं से आपके आगे आने वाले जीवन को भी देखा जा सकता है कि आप किस प्रकार का कार्य करेंगे जिससे आपको आगे का जीवन प्राप्त होगा। ये पंचम भाव नवम भाव से नवम भी होता है, इसीलिए नवम भाव जो अगले जन्म को दर्शाता है, उसकी स्थिति भी पंचम भाव से और गहराई से जानने के लिए देखी जा सकती है। क्योंकि देखा जाए तो कुंडली के जो त्रिकोण भाव होते हैं, प्रत्येक त्रिकोण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और तीनों आपसी में संबंध बहुत ही जरूरी रहते हैं। यहां पर लग्न से पंचम का संबंध या पंचम से नवम का संबंध अवश्य से बना हुआ होता है। अगर इन भावों में कोई ग्रह बैठे हैं, तो ये समझ के चले कि आपको एक साथ बैठे हैं वैसा ही प्रभाव देंगे। जैसे आपने देखा किसी के पंचम भाव में सूर्य है, लेकिन नवम भाव में चंद्रमा है, तो वैसे तो इनकी युति नहीं है, लेकिन ये सूर्य और चंद्रमा का नवम पंचम योग जातक या जातिका को सूर्य चंद्रमा साथ में है ऐसा प्रभाव देंगे। थोड़ी चिंता आदि रह सकती है उसके चलते, लेकिन इनके जो पॉजिटिव प्रभाव होते हैं वह भी देखने को मिलेंगे। यानी कहने की बात यही है कि इन त्रिकोण भावों में बैठे ग्रह एक साथ होने का प्रभाव देते हैं। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि उन्नति आपको कहाँ से मिलेंगी, तो उसके लिए आपको अपने कुंडली के पंचम भाव के स्वामी और पंचम भाव पर पड़ रही शुभ ग्रहों की दृष्टि को देखना है। अगर आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव में कोई शुभ ग्रह विराजमान है, तो निश्चित बात मानिए, यह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। यह आपको ईश्वरीय कृपा के द्वारा कोई सही मार्ग दिखाएगा जिससे आप उन्नति प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपने देखा कि पंचम भाव पीड़ित है, पंचम भाव में पापक ग्रह है, तो व्यक्ति या तो इतनी प्रेरणा के साथ ना काम कर पाए, ना ही उसका मन किसी एक जगह पर लगे, और ना ही उसको एक सही दिशा जल्दी प्राप्त हो पाए। ये प्रभाव कई बार पंचम भाव में बैठे पापक ग्रह दे सकते हैं। लेकिन अगर शुभ ग्रह की दृष्टि आती है, शुभ ग्रह बलवान होकर पंचम भाव को देखते हैं, तो निश्चित बात समझ के चले कि ऐसे व्यक्ति को उन्नति मिलेंगी और जीवन काल में सही मार्ग अवश्य से मिल जाएगा, जिससे वो उस पर आगे बढ़कर जीवन में सफलता अर्जित कर पाएगा। अगर आपने देखा कि आपकी कुंडली में पंचम भाव पर चंद्रमा की दृष्टि है, तो आपको समझना चाहिए कि अगर माता से संबंध अच्छे रहेंगे, तो आपको अपने जीवन में उन्नति अवश्य मिलेंगी या आपको सही मार्ग मिल जाएगा। शुक्र की दृष्टि है, तो पत्नी के आने के बाद आपको सही मार्ग मिल जाए, सही दिशा आपको मिल जाए, जिससे आप उन्नति प्राप्त कर पाए। यहाँ गुरु की दृष्टि संतान को भी दर्शाती है, किसी गुरु को भी दर्शाती है, ईश्वर को भी दर्शाती है। तो उनके आगमन से या उनके होने से आपके जीवन में उन्नति आपको मिले। अगर गुरु की दृष्टि है, तो उसमें बड़े भाई को भी लिया जा सकता है कि अगर आप बड़े भाई के अनुसार काम करें, बड़े भाई के कहे अनुसार काम करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। अगर आप देखते हैं कि आपकी कुंडली में इस पंचम भाव पर अकेले बुध की दृष्टि है, या शुक्र के साथ बैठे हुए बुध की दृष्टि है, तो आपको बहन, भुआ, बेटी, इनके माध्यम से कोई सही मार्ग मिल सकता है। आपको इनके कहे अनुसार चलना चाहिए। यहां आप अन्य ग्रहों को भी जोड़ सकते हैं। जैसे आपने देखा सूर्य पंचम भाव को देख रहा है या पंचम भाव में बैठा है, तो आपको चाहिए आप अपने पिता से संबंध अच्छे रखें। अगर आपके पिता से संबंध खराब होंगे, तो निश्चित बात मानिए, आपको सही दिशा भी नहीं मिलेंगी और जीवन में उन्नति आपको नहीं मिल पाएंगी।
इसी पंचम भाव पर आप देखते हैं कि मंगल की दृष्टि है और आपके भाइयों से संबंध खराब है। छोटे बड़े दोनों ही प्रकार के भाई बहनों से आपके संबंध खराब है, तो आप देख पाएंगे कि आपको ये मंगल उन्नति नहीं लेने देगा, आपको परेशानी का जीवन में सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार आप शनि को भी देख सकते हैं, शनि अगर पंचम भाव को देख रहा है ऐसे में भी उन्नति धीमे मिल पाती है, क्योंकि पंचम भाव उन्नति का है, उस पर शनि की दृष्टि व्यक्ति को आगे बढ़ने में थोड़ी बाधा उत्पन्न करती है। लेकिन पंचम पर शनि की दृष्टि है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में मेहनत से जुड़ा रहता है, स्वयं के दम पर आगे बढ़ता है लेकिन मेहनत से बढ़ता है, ईमानदारी से बढ़ता है, तो ऐसे व्यक्ति को ये शनि सफलता देते हैं और उन्नति प्रदान करते हैं। अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से मानिए पंचम पर शनि की दृष्टि संघर्ष बहुत करवाएंगी, लेकिन अगर आपने संघर्ष का साथ जुड़े रहे, आप संघर्ष का साथ आपने बना रखा, संघर्ष करते रहे, तो आप देख पाएंगे कि आपको यही शनि अच्छी बड़ी सफलता दिला सकता है और बड़े कार्यों में जोड़ सकता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जन्म कुंडली में पंचम भाव से राहु केतु का संबंध भी विशिष्ट प्रभाव देता है। जब भी राहु केतु का संबंध हो तो कई बार ऐसे में कहीं दूर स्थानों से जुड़ना, विदेश में चले जाना, विदेश से जुड़ना, या कई बार कोई बाहरी व्यक्ति अगर अच्छी अवस्था में है ग्रह, तो बाहरी व्यक्ति सपोर्ट कर जाता है। हालांकि ये पापक ग्रह है और पंचम भाव में पापक ग्रह हो या क्रूर ग्रह हो, दोनों ही स्थिति में आपको जो उन्नति मिलना चाहिए उसमें थोड़ा धीमा प्रभाव देखने को मिल सकता है। वैसे तो आप जानते हैं कि कुंडली का नवम भाव भाग्य का है, और अगर आप ज्योतिष को मानते हैं तो आपको भाग्य को मानना होगा, भाग्य को मानते हैं तो आपको पूर्व जन्म को मानना होगा, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को इस जन्म में अच्छा प्रभाव मिल रहा है तो ये समझ के चले, भाग्य अच्छा मिला है तो समझ के चले कि ऐसे व्यक्ति ने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे काम किए हैं। इस जन्म में कुछ भी करता हो कोई मतलब नहीं, अगर भाग्य उसका अच्छा है, उसका भाग्य आपको अच्छा नजर आ रहा है कुंडली में, तो समझ के चले कि ऐसे व्यक्ति ने अपने जीवन काल में पूर्व जन्म में अच्छे कार्य अवश्य से किए हैं, जिसके चलते, उसके प्रारब्ध के चलते उसका भाग्य मजबूत बना है। अब वो इस जीवन में जिस तरह काम करेगा उस तरह का प्रभाव उसे आगे मिलेगा। तो इसीलिए पंचम और नवम ये जो भाव है ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और पंचम भाव में आप देखिए कि किस तरह के ग्रह अवस्था बैठे हैं। अगर कोई ग्रह की दृष्टि नहीं है, सुप्त भाव है, तो आप पंचम भाव के स्वामी को देखिए। पहली स्थिति आपको पंचम भाव पर पड़ रहे ग्रह की दृष्टि को देना है। अब इसमें आपने कहा कि दो तीन ग्रह की दृष्टि है तो क्या करें? ऐसी अवस्था में आपको जो बलवान ग्रह हो कुंडली में, जिसकी दृष्टि मजबूती से पड़ रही हो, उसे देखना चाहिए। और कम से कम जो उस ग्रह की जो भी दृष्टि है, जैसे मान लीजिए मंगल की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है और शुक्र की भी दृष्टि है। अब आपने देखा कि तीन ग्रह की दृष्टि है, लेकिन आपने देखा शुक्र अधिक बलवान है, तो शुक्र की दृष्टि अगर आपने देखा कि पंचम भाव पर है, तो आपको पत्नी से, स्त्री वर्ग से सपोर्ट मिलेगा या उनके कहे अनुसार आप आगे बढ़ेंगे तो उन्नति अधिक मिल पाएगी, ये आपको समझना है। इसी प्रकार आप ये देखिए कि अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव पर पापक ग्रह की दृष्टि है, लेकिन पापक ग्रह मजबूत है, तो ऐसी अवस्था में कुछ मेहनत के बाद, संघर्ष के बाद, लेकिन आपको उन्नति मिलेंगी। अगर किसी की दृष्टि नहीं है तो ही आपको पंचम भाव के स्वामी को देखना है, या फिर भी अगर आप पंचम भाव के स्वामी को देखते हैं तो दोनों को जोड़ कर देखें। फिर जैसे आपने देखा पंचम भाव का स्वामी कहीं भी बैठा हो, वो किस भाव में है, किस स्थिति में है, उस पर विचार करें। पंचम भाव के स्वामी पर किस ग्रह की दृष्टि है उस पर विचार करें, जिस भाव में है उस भाव के संबंध से जुड़कर आपको सफलता मिलेगी, ऐसा आपको समझना चाहिए। और ऐसा अगर आप देख लेते हैं तो निश्चित बात समझिए कि आपकी कुंडली जिस भी क्षेत्र को बता रही है उस क्षेत्र में आप सफलता अर्जित कर पाएंगे, उस क्षेत्र में आप आगे बढ़ पाएंगे, ये आपको देखने को मिलेगा। तो आप अपनी कुंडली को खोलिए, पंचम भाव के स्वामी और पंचम भाव पर पड़ रही ग्रहों की दृष्टि को देखिए, आप जान जाएंगे कि आपको किस व्यक्ति से और किस तरह की, आपको किस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। जिस ग्रह की दृष्टि हो उसी ग्रह से जुड़े क्षेत्र में आप आगे बढ़े तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, या वही ग्रह आपको एक दिशा प्रदान करेगा जिससे आप आगे बढ़ पाएंगे, और उस ग्रह की दशा, अंतर दशा आ जाए तो कहने की बात नहीं, अच्छा प्रभाव अवश्य मिल जाएगा। तो ये स्थिति पर आप विचार करें, निश्चित रूप से आप देख पाएंगे कि वो जो कार्य बनेगा वो उन्नतिदायक बनेगा। बाकी आज की वीडियो से जुड़ा कोई भी प्रश्न रहता हो तो आप वीडियो में कमेंट करें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।